नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट आइडियाज और मैं हूं आपके साथ शक्ति मिश्रा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं टेप मेकिंग बिजनेस के बारे में कि किस तरह से इस तरह के टेप जो है आप आपके पास बना सकते हैं और किस तरह से इसका पूरा बिजनेस कर सकते हैं आप, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, शुरू करने से पहले करूंगा एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, टेप एक ऐसा वस्तु है जो कि हर जगह पे उपयोग में लाया जाता है, चाहे वो गांव हो या शहर हो, हर जगह इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में, चाहे हम एजुकेशन के क्षेत्र में बात करें, चाहे बिजली के जो है काम में टेप का उपयोग, स्टेशनरी के दुकानों पे इस तरह का टेप जो है आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाता है। आज इसी बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसका बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, टेप बनाने के लिए सबसे पहले उपयोग में लाया जाता है कोर कटिंग मशीन का। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे बाईं ओर एक मशीन है जिसे हम कहते हैं कोर कटिंग मशीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका पैकिंग है। पहले हम लोग पैकिंग को कट करेंगे और उसके बाद अगला प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है इसके ऊपर टेप का लेयर चढ़ाया जाता है। देख सकते हैं किस प्रकार से जो है हम, ये एक मैनुअल मशीन है और यहाँ पैर से दबाते ही यहाँ पे कटिंग जो है शुरू हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक पेपर का कोर है जिसका कटिंग हमने कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टुकड़े टुकड़े में हमने कट कर लिया है। जिस हिसाब का भी हमें टेप का लेयर इसके ऊपर चढ़ाना है, हम उस साइज में कोर की कटिंग कर लेते हैं, पेपर कोर की कटिंग। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह का कोर का कटिंग हमने यहाँ पे पेपर का कर लिया है। अब इसके ऊपर हम टेप का लेयर चढ़ाएंगे। दोस्तों, ये जो पीछे मशीन आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं BOPP टेप कटिंग मशीन। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि हमने जो है इसका पेपर का कोर कट किया था और उस कोर को हमने यहाँ पर लगा दिया है। आप देख सकते हैं हमने तीन जगह ऊपर लगाया है और तीन जगह हमने उस कोर को नीचे लगा दिया है। और अगर मैं पीछे के हिस्से की बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेप का हमने रोल लगाया हुआ है। ये रोल जो है 10 किलो के आसपास का आ जाता है रॉ मटेरियल में। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में सारा कुछ बताने वाला हूँ कि रॉ मटेरियल क्या होता है। तो यहाँ पे हमने जो है रोल लगा दिया है, 10 केजी के आसपास का आता है। ये एक छोटा मशीन है लघु उद्योग शुरू करने के लिए। इसमें आगे चल के आप काफी बड़े मशीनरी भी लगा सकते हैं और इसके जगह पे जंबो रोल भी यूज कर सकते हैं प्लास्टिक टेप का, टेप को बनाने के लिए। सो ये इसका पिछला हिस्सा है। यहाँ पे हम जो है टेप का एक रोल यहाँ पर लगा देते हैं। दोस्तों, अब हम इस मशीन को चालू करते हैं और मैं आपको टेप बनाकर दिखाता हूँ, इसके ऊपर लेयर टेप की लगाकर दिखाता हूँ कि किस हिसाब से जो है, किस तरह से टेप इसके ऊपर टेप जो है बन जाता है। मैंने यहां से इस मशीन को ऑन कर दिया है। यहाँ पे स्टार्ट बटन है, यहाँ पे इसकी हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, यहां से हम इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं तो ज्यादा स्पीड में टेप की जो है मैन्युफैक्चरिंग होगी यहाँ पे। और यहाँ पे स्टॉप बटन है, यहाँ पे जो है ऑलरेडी सेट किया हुआ है 65 मीटर के ऊपर जो है यहाँ पर हमने मशीन को सेट कर दिया है। यानी कि ये मशीन इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेपर के जो यहाँ पे कोर लगे हुए हैं, इसमें 6 जगह पे लगाया है तो 6 कोर में 65 मीटर जो है टेप की लेयर चढ़ा देगा और उसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिकली ही स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो है रेड लाइट जल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे हम जितनी तेजी से बढ़ाएंगे या जैसे जैसे इसको हम घुमाते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। चलिए घुमा के देख लेते हैं। आपने देखा कि जैसे ही 65 मीटर के ऊपर यहाँ पे
प्रिंट आया वैसे ही जो है मशीन मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया। देख सकते हैं कि टेप की जो है मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस पूरा हो चुका है। हमने इसके ऊपर रोल की कटिंग की और टेप को पेपर का जो कोर है उसके ऊपर लेयर बना दिया है। अब हम इस टेप को यहां से कट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने इस टेप की जो है मैन्युफैक्चरिंग 65 मीटर टेप की मैन्युफैक्चरिंग कर ली। कुछ ही मिनटों के अंदर इस मशीन ने इसके ऊपर टेप का रोल चढ़ा दिया, सेलो टेप का। तो इस तरह से जो है टेप की मैन्युफैक्चरिंग आप भी कर सकते हैं। दोनों मशीन की कीमत यानी कि पेपर के कोर के कटिंग मशीन की कीमत और ये टेप की कटिंग मशीन की कीमत यानी कि जो लेयर इसके ऊपर चढ़ाते हैं, इन दोनों की कीमत 85,000 रुपीस है। बाकी का बार्गेनिंग आपको क्या करना है आप इनके साथ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ के ओनर से आपकी साक्षात्कार करवाता हूँ और बाकी डिटेल इस मशीन के बारे में आपको बता देता हूँ। ये मशीन काफी इजी टू यूज है, घर में महिलाएं भी काफी आसानी से इस मशीन को चला सकती हैं और घर में रहकर एक अच्छा खासा बिजनेस वो भी कर सकती हैं। ये मशीन इजी टू ऑपरेट है, जैसा कि आपने देखा मैंने पहली बार मैं यहां पर आया हूं और पहली बार में ही इस मशीन को थोड़ा सा समझकर मैंने ऑपरेट आपके सामने करके दिखाया है। सो इस तरह से होती है टेप की मैन्युफैक्चरिंग, आप भी कर सकते हैं। आप में से कोई भी इस मशीन को लेकर और इसका बिजनेस शुरू कर सकता है, काफी आसान है। 1,00,000 रुपए के आसपास अगर आप निवेश करेंगे तो इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। मशीन जो है घरेलू बिजली पर चलाया जा सकता है। इस काम को आप आपके घरों में छोटे छोटे लघु उद्योग के तौर पे भी कर सकते हैं। अगर सर हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की, सबसे पहले सवाल पूछना चाहूंगा कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या होता है, किस तरह से होता है और कहां से मिलता है? जैसे आप देख रहे हो कि बड़ा रोल है जी, ये जो रोल है ये वाली जी, अच्छा, और अपने को ये साइज में कहीं से भी अवेलेबल होता है इजीली। अच्छा, आप मार्केट से भी ले सकते हो जी। इसके बहुत सारे मतलब दिल्ली है, बॉम्बे है, अहमदाबाद है जी, राजकोट है, सारी जगह पे ये आपको अवेलेबल इजीली हो जाता है जी। ये जो है उसमें जो मशीन लेते हो उसमें बिना वेस्टेज के गिरता है पहली तो बात जी जी जी। और जो भी मीटर मतलब मार्केट में जो भी साइज चलती है देख सकते हो कि आधे से लेके 3 इंच तक सारी साइज जी मतलब ये मशीन में कट होती है जी। मीटर भी अपने आप ऑटोमेटिकली इसमें रिवाइंडिंग कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ये सब फंक्शन मशीन में अवेलेबल होता है, अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ रॉ मटेरियल के कॉस्ट की जी, तो क्या कॉस्ट में सबसे पहले तो ये रोल है जिसे हम कट करके टेप बनाते हैं जी, तो अगर मैं बात करूं कि इस रोल के रेट की तो क्या कॉस्ट में हमें रॉ मटेरियल मिल जाएगा? ये अपना ये जो टेप का बिजनेस है उसमें जो रॉ मटेरियल है जी वो पर केजी के हिसाब से अपने को मिलता है। अच्छा, जो कि करंट अभी रेट होगा 120 या 123 के अराउंड, उसका पर केजी रेट 120 से 123 रुपए पर केजी, इसको अपने केजी के हिसाब से आता है। और मार्केट में जो चलता है जी वो मीटर के हिसाब से चलता है जी जी जी। तो मतलब हम लोग जो रॉ मटेरियल खरीदेंगे यानी कि जो हम इस तरह के बड़े रोल होता है वो जो खरीदते हैं, इसे हम किलो के भाव से खरीदते हैं, लेकिन मार्केट में होलसेल में जो हम सप्लाई करते हैं ऐसे टेप की, या रिटेल शॉप में अगर हमें ऐसा टेप सप्लाई करना है तो वो मीटर के हिसाब से सेल होता है जी। बिल्कुल जी। और इसमें बहुत सारी है, मतलब स्टार्टिंग पीरियड पे करना चाहते हो तो ऐसी ब्राउन ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, जैसे ये ब्राउन है हाँ, आप देख सकते हो वो जी जी। 1 इंच में कटिंग है, ये 2 साइज में अवेलेबल है, ये 2 साइज में अवेलेबल है, और ये एक तीसरी भी है जो 3 इंच की है। अच्छा, ये 3 इंच का टेप है और ये घर में भी यूज होती है, स्टेशनरी वगैरह में भी यूज होती है और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हाँ, यूज होती है। टेप एक ऐसा प्रोडक्ट है इसे हर जगह यूज में लाया सकता है, चाहे कुछ कार्टून बॉक्स पैकिंग करने का काम हो, चाहे आपको बिजली का कुछ ऐसा वायर हो जिसे आपको पैक करना हो बचने के लिए झटके से, या इलेक्ट्रिशियन वर्क में इसे बहुत यूज किया जाता है जी। मैं बताना चाहूंगा कि उसके लिए एक प्रोडक्ट अलग है। अच्छा, वो स्लाइसिंग टाइप की प्रोडक्ट है। अच्छा, ये स्लाइसिंग टाइप की प्रोडक्ट जी। ये मशीन भी आपके पास अवेलेबल है जी? बिल्कुल, वो भी। अच्छा, एक छोटा घरेलू उद्योगी है। अच्छा, ये भी एक उद्योग है, ये घरेलू उद्योग छोटा कर सकते इसमें है। चाहे तो ऐसा ही, लेकिन लंबा लॉग रोल आता है। अच्छा, सेम इसी साइज का? हाँ, पूरा लंबा रोल, लंबा रोल आएगा आपको जो भी मार्केट में अवेलेबल साइज है, जैसे 18 mm या 19 mm रेगुलर चलता है जी जी। तो आप उसको कटिंग करने के बाद सीधा पैक करके सेल कर सकते हो। अच्छा, ये भी एक छोटा पीरियड है। अच्छा, मतलब उसमें भी मार्जिन अच्छा खासा मिल जाता है। अगर मैं
इसका ये इलेक्ट्रिसिटी की जो टेप आती है इसकी कटिंग की मैं बात करूं तो इसकी मशीन क्या कीमत में आती है सिंगल फेज जो घर पे भी चला सकते हैं? करीबन 1 लाख के अराउंड ही वो मशीन गिरती है। अच्छा, डिपेंड है, उसमें दो टाइप की मशीन आती है। अब चाहे मैनुअल पे लेना चाहते हो तो वो कम प्राइस में गिरती है। मैनुअल वाला कितने में आता है? करीबन 1 लाख के अराउंड रहता है। अच्छा, और ये जो आपकी ऑटोमेटिक वाली है? ऑटोमेटिक वाली थोड़ी महंगी गिर जाती है, जिसका मतलब खपत ज्यादा है तो वो लोग प्रीफर उसको ज्यादा करते हैं। अच्छा, सो नॉर्मली अगर मैं बात करूं इस तरह के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, चाहे घर पे यूज करने वाली टेप हो, चाहे कहीं भी इस तरह के टेप भी आप देखेंगे कि इस तरह के टेप भी आपको इलेक्ट्रिकल शॉप पे हो, चाहे हार्डवेयर में हो, चाहे कहीं ग्रोसरी शॉप पे भी ऐसे टेप्स आसानी से अवेलेबल होते हैं इस टाइप के टेप। तो अगर मैं इसका एक कैलकुलेशन बिठाऊं तो इसकी मशीन जो अभी हमने नीचे देखी है कटिंग वाली, वो क्या कॉस्ट में आप कम से कम हमारे सब्सक्राइबर के लिए आप देंगे? करीबन अराउंड अपने मानो कि ये मशीन को स्टार्ट करने के लिए सबसे छोटा मशीन लगता है, जिसको मिनी बीओबी के नाम से मार्केट में जाना जाता है जी। उसके साथ एक कोर कटिंग मशीन लगती है जैसे अपने नीचे देखी जी, जी, जी। उसके हिसाब से दो मशीन को मिला के 85,000 के अराउंड कॉस्टिंग है। अच्छा, ठीक है। अगर कोई डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करता है तो उसके लिए वो नेगोशियबल प्राइस भी है। अगर छोटा घरेलू उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो बेटर है उसके लिए। अच्छा, 85,000 रुपीज की जो है मशीन आती है टेप कटिंग की, उसमें आप इस तरह के टेप जो है कट कर सकते हैं बड़े रोल से, इस तरह के रोल से आप इस तरह के टेप कट करके निकाल सकते हैं और बना सकते हैं साइज के हिसाब से। जो भी हमने नीचे जो मशीन देखा उसमें किस किस साइज के जो है टेप सारी बना सकते हैं? सब साइज में बना सकते जी, हैं बिल्कुल। आधा इंची है, एक अच्छा, इंची, अच्छा ये वाले ऐसे वाले, ये आधा इंची है। अच्छा, उसके बाद ये 1 इंची का है। अच्छा, ठीक है जी। ये 2 इंची है जी, अब जी, मतलब मार्केट में जो भी साइज चलती है जी, वो सारी साइज है वो मशीन में कट होती है। मशीन में कट होती है जो भी साइज है, सिर्फ ये वाली जो है अलग मशीन होगी। हाँ, वो अलग मशीन है। अच्छा, वो स्लाइसिंग मशीन बोलते हैं, इसको रिवाइंडिंग कटिंग करना पॉसिबल नहीं, इसलिए उसके लिए मशीन अलग होती है। अच्छा अच्छा, जो है इसकी जो मशीन है अलग आती है, बाकी जितने तरह के हमारे पास टेप है इस वक्त प्लास्टिक में जी, ये सारे के सारे कटिंग इस मशीन के जरिए किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। और ये 85,000 रुपीस का आएगा। हाँ, दो मशीन आएंगे, दो मशीन जो हमने नीचे देखा, दोनों मशीन इसमें आएंगे, दोनों मशीन इसमें आएंगे। यहाँ का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, इनसे आप डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं फोन पे। और सर मैं अगर बात करूं प्रॉफिट की जी, तो ये टेप बिजनेस में अगर इस तरह का टेप बना रहे हो, चाहे इस तरह का टेप बना रहे हो, क्या प्रॉफिट पर टेप अगर एक अप्रोक्सीमेट कोटेशन पकड़े होलसेल का, अगर हम एक घरेलू उद्योग शुरू करके और हम इसे होलसेल में सप्लाई करें, होलसेलर्स को दें जी, तो हम क्या प्रॉफिट कमा सकते हैं? अभी आप कोई भी साइज कट कर सकते हो और उसको मार्केट में अगर सेल करते हो होलसेल बेस पे जी, तो करीबन 100-150 आराम से एक बॉक्स पे पीछे प्रॉफिट कमा सकते हो जी। यानी कि अगर इस तरह का टेप हो तो पर टेप हम 2-3 रुपए कमा सकते जी, आराम से 2-3 रुपए इस तरह के टेप में कमाया सकता है। और बाकी का जो भी अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहें इस तरह का, तो इनसे बात कर सकते हैं, यहाँ पे आकर मशीन लेने से पहले आप सीख भी सकते हैं, नया बिजनेस शुरू करना है तो किस तरह से इसको किया जा सकता है। सारी डिटेल्स हम प्रोवाइड करते हैं जी, आपको रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा, क्या क्या चीजें लगती है, कैसे इसको ऑपरेटिंग करना है, इसको मार्केट में कहाँ कहाँ पे सेल कर सकते हो, वो सारी चीजें हम लोग गाइड करते हैं। गाइड करते हो आप जी, क्योंकि रॉ मटेरियल सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि लोगों को, नए लोगों को, अगर नया इंसान को अगर इस बिजनेस के अंदर आ रहा है तो रॉ मटेरियल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, जिसका इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है कि सस्ते से सस्ता ये रॉ मटेरियल कहाँ पे किस तरह से ले सकते हैं। अगर आप इस लघु उद्योग को शुरू करना चाहते हैं तो कौशिक पटेल साहब ने मुझसे ये भी प्रॉमिस किया है कि आपको ये अच्छी खासी जो है गाइड करेंगे ताकि आप इस उद्योग को शुरू कर सकें। मुनाफे की अगर मैं बात करूं तो 2 रुपए के करीब करीब इस टेप के अंदर, एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं आपको, मीटर पे खैर ये तो बिजनेस होता है, जितना मीटर का टेप हो उतना आपका रेट होता है, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट 2-150 रुपए पर बॉक्स अगर आप होलसेलर को सप्लाई करते हैं तब कमा सकते हैं जी। और आसानी से बिकने वाला प्रोडक्ट है, हर जगह अवेलेबल होता है। आप अगर देखने जाओगे तो मार्केट में ऐसा कोई घर या इंडस्ट्री नहीं होगी जहाँ पे ये चीज यूज नहीं हो, यूज नहीं हो, तो चाहे ऐसी यूज हो, चाहे सेलो टेप छोटी वाली यूज हो, हर तरह का यहाँ पे आप जो है इस तरह का आप देख सकते हैं, हर तरह का जो प्रोडक्ट है वो इस कटिंग मशीन के थ्रू कटिंग करके आपका खुद का एक लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं। ये तो हो गई कि अगर हम मैन्युफैक्चर करके होलसेलर को सप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट कि 150 रुपए प्रति बॉक्स या 2-3 रुपए इस तरह के टेप में एक टेप के अंदर मार्जिन मिलेगा। और ये पक्की बात है कि सेल बहुत ज्यादा होता है तो मार्केट में सप्लाई भी इसकी बहुत ज्यादा है, रोज यूज होने वाली चीज है। अगर मैं होलसेलर टू रिटेलर की बात करूं एक बिजनेस आइडिया देने के लिए व्यूअर्स को जी, तो कितना प्रॉफिट कमाता होगा एक रिटेलर? अगर मानो ये इस टाइप के अपने टेप लेते हैं, हाँ,
तो करीबन ये 16 रुपए के अराउंड बन जाती है। 16 रुपए के अराउंड जी, कितना मीटर? 50 मीटर के अराउंड। 50 मीटर 50 से 65 के बीच में अपने 16 रुपए में बन जाती है। अच्छा, अगर यही चीज आप रिटेल में एक बार पता कर लीजिए, करीबन 23 या 24 रुपए के अराउंड सेल होती है। 25 रुपए 30 रुपए में बेचते हैं जी सर, जैसा शॉप वैसा सेल करते। तो रिटेल में इससे आप 2 या 3 गुना प्रॉफिट कमा सकते हो। अच्छा, और अगर आप अगर रिटेलर्स को आप देते हैं ये टेप, तो रिटेलर्स आसानी से एक टेप के पीछे ही 10 रुपए के आसपास मार्जिन कमाते हैं। जी बिल्कुल, सो बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अगर आप रिटेल को टारगेट कर रहे हो कि आप मैन्युफैक्चरिंग करके जितने 500,000 रिटेल शॉप को अगर आप संभाल सकते हो, तो इसमें आपको अच्छा। मुनाफा और ज्यादा हो सकता है होलसेलर को बेचने के अलावा, अगर रिटेलर को टारगेट करते हैं तब। वैसे अगर ज्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो होलसेलर को देना ज्यादा सही है, ये मार्केट का एक नियम है बिजनेस करने का, है ना। इस तरह का भी टेप जो है यहाँ पे अवेलेबल है, ये तो पेटीएम का टेप है सर। हाँ, ये आपने बनाया? एक्चुअली हमारा नहीं है। अच्छा, अच्छा। बट इस टाइप की जो प्रिंटिंग वाली टेप्स है, अच्छा अच्छा, ये थोड़ा प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है। अच्छा, बट ये क्या है कि थोड़ा इससे भी बड़ा मशीन आता है। हाँ, अभी ये लघु उद्योग में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा चुके हो। हाँ, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहोगे। हाँ, तो इसके बाद एक बड़ी मशीन आती है। हाँ, जिसमें ये टाइप की टेप भी आप प्रिंटेड, हाँ, मतलब बना सकते हो। हाँ, इसमें जो ये रॉ मटेरियल है वैसा ऐसा प्रिंट किया हुआ ही आता है। अच्छा, अपने को मार्केट में ये कटिंग करके अलग अलग साइज में आगे सेल करना होता है। सेल करना होता है। सो ये स्टार्टअप है, अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं टेप कटिंग का और टेप कटिंग करके मार्केट में सप्लाई करने का, तो आप इस बिजनेस से शुरुआत करिए। इस बिजनेस को शुरुआत करके फ्यूचर में इस बिजनेस को बहुत ही ऊपर के लेवल पे एक्सपैंड किया जा सकता है। इस बिजनेस को इस तरह का जो है टेप आगे चल के आप बना सकते हैं। बाकी भी अलग तरह के आप यहाँ पे अगर बात करें, इस तरह के ये हार्डवेयर प्रोडक्ट जैसा कुछ लग रहा है सर। जी, ये क्या हार्डवेयर के दुकान पे मिलती है जी, ये मास्किंग टेप है। अच्छा, जो अपने फर्नीचर में यूज करते हैं। अच्छा, ये फर्नीचर वाली टेप है जी। ये अगर कोई स्टार्ट करना चाहते, थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, इसमें रिवाइंडिंग मशीन और स्लाइसिंग दो मशीनें लगती है अलग। इसमें ये भी बन जाएगी? इसमें क्या होता है कि रिवाइंडिंग पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसमें लॉग रोल ही रेडी आता है, तो अपने को सिर्फ स्लाइड करना होता है। सिर्फ स्लाइड करना है इसको जी। और ये जो रोल है वो 1800 मीटर लंबा रोल आता है। अच्छा, ठीक है। और साइज अलग अलग अवेलेबल होती है, जैसे ये इसकी विड्थ है। हाँ, वैसे वो बड़ा रोल आता है जी जी, उसमें से 20 मीटर 40 मीटर मार्केट में चलता है। तो उसके हिसाब से आप रिवाइंडिंग कर सकते हो। हाँ, और इसको स्लाइस कर सकते हो। इस तरह का जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी स्लाइसिंग प्रोडक्ट है। ये सारे स्लाइसिंग प्रोडक्ट है जी। और इसकी भी मशीनरी आपके पास अवेलेबल है? जी बिल्कुल, आप प्लास्टिक और पेपर को लेकर सारी मशीनें अवेलेबल है। अच्छा, एक बार आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि आपको कोई नया बिजनेस या कुछ प्रोडक्ट्स है जी, तो जी, उसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो जी। ठीक है, तो अपने अगर मशीन अपने बनाते होंगे तो आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, रॉ मटेरियल से लेके आप अपने क्या है कि सारा कुछ सप्लाई मतलब सपोर्ट करते हैं। इनसे बात करके आप इस बिजनेस की अगर आप चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए लघु उद्योग और स्मार्ट आइडियाज के साथ। तब तक देखते रहिए स्मार्ट आइडियाज। भारत माता की जय, जय हिंद। और अपने माता पिता का कभी भी दिल न दुखाएं। नमस्कार। सो दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हम इस दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने आप यार तू यार मत कर दे भाई, भारत मुखी दे ना मुझे आवाज ना करना कोई। रुको सर, नहीं कोई, एक मिनट रुक जाओ सर, एक साथ में सब डाल कर आना बंद कर, सब मोबाइल स्विच ऑफ कर दो।